हेलो ऑल, वेलकम बैक टू रिटेन ट्रेडर्स वॉच। के वीडियो में हम लोग देखने वाले कि बैंक निफ्टी के लिए 13 दिसंबर 2023 को यानी कि वीकली एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो नो डाउट, जैसा कि देख सकते हैं, बैंक निफ्टी एक कंटिन्यूसली एक चैनल में था। तो आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करते हुए देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने ये चैनल ब्रेक करके 47,000 का लेवल यहाँ पे अचीव किया है। तो नो डाउट, मैं आपको एक बात बता दूँ, 47,000 एक मार्केट के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको डायरेक्टली 46,500 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। कल एक्सपायरी भी होने वाला है और बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, नो डाउट यस ने यहाँ पे एक एम पैटर्न इसने ये कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर ये पैटर्न यहाँ पे अगर ब्रेक होता है, अगर मार्केट 47,000 के नीचे आता है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मार्केट 45,000 तक भी जाते हुए दिख सकता है। आई रिपीट, 45,000 तक मार्केट यहाँ पे जाते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल अगर मान लेते कि मार्केट इसी लेवल पे कल फ्लैट खोलता है, तो फिर नो डाउट हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि कल कोई स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं बनने वाला अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है तो वेल एंड गुड है। तो उसके बाद ये जिससे भी साइड पे 100-150 पॉइंट्स का रेंज वो कल बनाएगा स्टार्टिंग के ओवर में, अगर फ्लैट खुलता है तो जिससे भी साइड ये ब्रेकआउट देगा, हम लोग ऊपर की साइड या फिर डाउन साइड हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एक मान के चले ऊपर 47,400 का यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, और 47,225 का यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस मार्केट में यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस है 47,400। सब लोगों ने 47,500 के जो भी कॉल्स है यहाँ पे सेल करके रखे हैं। ठीक है, तो सेलिंग का प्रेशर कल बनने वाला है मार्केट में। अगर मान लेते कि मार्केट कल गैप अप ओपन था समय 47,250 से लेके 47,400, ओनली थिंग फॉर द सेल, यहाँ से बाइंग वापस से हैपनिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से ओनली सेलिंग का मौका है। यहाँ पे 47,000 तक मार्केट आता है तो फिर नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होकर अगर ऊपर जा रहा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे बना सकता है। 46,500 हो सकता है कि नहीं कल आपको देखने के लिए मिले। अगर मान लेते कि मार्केट गैप डाउन खुलता है समय 46,800 के आसपास, क्योंकि ये भी एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, देख सकते हैं इसने मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट टेस्ट किया है, नो डाउट यहाँ पे भी टेस्ट किया है, तो हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे छोटा सा हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ से थोड़ा सा एक बाउंस बैक दे, फिर उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट दे के मार्केट 46,500 का टेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलते ही जिस भी साइड अगर फ्लैट खोलने के बाद डायरेक्टली ब्रेकडाउन देता है, देन आई एम ओनली इंटरेस्टेड फॉर दिस सेलिंग। और मैं आपको कल लिख के देता हूँ 2 बजे के बाद हो सकता है कि नहीं एक छोटा सा बाइंग का मोमेंटम है, छोटा सा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का तो मिनिमम बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि कल हो सकता है कि नहीं शॉर्ट्स कवर होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतना 47,500 के लेवल से सब लोग यहाँ तक 46,500 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स है, तो हो सकता है कि नहीं सब लोग अपने शॉर्ट्स 2 o'clock के आसपास कवर करना स्टार्ट करें, तो हो सकता है कि नहीं छोटा सा बाइंग का मोमेंटम आए, 150 से 200 पॉइंट्स के बीच में वो बाइंग का मोमेंटम रह सकता है। आई होप अगर आपने कैच कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो जाने दीजिए, आप लोग खाली सेलिंग में ही ध्यान दीजिए। कल 46,500 का लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। इन केस अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर आई एम नॉट श्योर, आपको हो सकता है कि नहीं मार्केट सेम लेवल पे एक्सपायर होते हुए दिखेगा। थैंक यू।